भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा विवादों में रहा वो है इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल रशीद। आदिल रशीद को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए खासतौर पर इंग्लिश टेस्ट टीम में शामिल किया गया, वो भी तब जब वो 2 साल पहले ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे। आदिल रशीद को भारत के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल करना कई पूर्व इंग्लिश दिग्गज को रास नहीं आया और उन्होंने खुलकर इसकी आलोचना तक कर डाली। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने बोर्ड के इस फैसले को सही भी बताया पर आदिल रशीद के नाम पर जमकर विवाद हुआ। इन तमाम विवादों के बीच आदिल रशीद इंग्लैंड टेस्ट टीम का हिस्सा है और क्या भारतीय बल्लेबाजों को उनसे टेस्ट सीरीज में डरने की जरूरत है? इंग्लैंड की टीम में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए खासतौर पर आदिल रशीद को लाना एक अलग फैसला दिखाई दिया। इसके पीछे चयनकर्ताओं की सोच शायद ये है कि इस वक्त इंग्लैंड में जिस तरह का वातावरण है उसमें वो भारतीय टीम के खिलाफ काफी कारगर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड टेस्ट टीम में स्पिनर के नाम पर सिर्फ मोइन अली है। राशिद के होने से टीम में 2 स्पिनर हो जाएंगे और किसी मैच में जरूरत पड़ने पर दोनों खिलाड़ियों को अंतिम 11 में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट से अभिलाष की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।